सी साइज हमारी बोल दे। एक बॉक्स की साइज हमारी जो है लार्ज भी। इसी तरीके से यह हमारा जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रहा है, मॉडल में जो हमारा वर्क होता है, मॉडल में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ड्राइंग बनाना है ऑटोकैड पर, बिल्डिंग ड्राइंग हम मॉडल पे वर्क करेंगे, और लेआउट वन लेआउट टू नंबर ऑफ लेआउट हम जितना लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ से हमको प्रिंट एरिया मिलेगा। फर्स्ट हमको जो ब्लैक स्क्रीन पर जो दिख रहा है एक यूसीएस आइकन लेफ्ट साइड कॉर्नर पर एक्स और वाई एक्सिस इंडिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं यूसीएस आइकॉन। ये शो करता है कि हम जो ड्राइंग बना रहे हैं ये हमारी ड्राइंग 2D ड्राइंग बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम जो स्क्रीन, पहले हम कुछ इनिशियल सेटिंग देखेंगे कि कुछ ऐसी सेटिंग होती है ऑटोकैड में जो करने के बाद हमको आसानी से ऑटोकैड रन कर सकते हैं। ये हमारा ब्लैक स्क्रीन है, अब हमको इस स्क्रीन के कलर को चेंज करना है, वाइट है या जो भी कलर लेना है। तो इसका शॉर्ट की है ओपी एंटर से हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद कलर, फिर सब कलर में जाकर के हमको जो भी कलर लेना है, वाइट अप्लाई एंड क्लोज ओके। ये हमारी स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन का कलर हमारा वाइट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप अभी इसमें यूसीएस आइकॉन जो है अपनी जगह से हट से ओरिजिन पोजीशन से हटकर जो है शीट पर आ रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से सेट करना है। व्यू में डिस्प्ले यूसीएस आइकॉन ओरिजिन पे जो टिक मार्क है इसको हटा देना है, तो ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा प्लानिंग के टाइम। अब हम ऑटोकैड की जो डिस्प्ले पर जो चीज़ हुई हो रही थी हमने वो देखा। अब इसके बाद हमको जो देखना है फाइल में क्या वर्क होता है। फाइल में हम जो है न्यू ओपन सेव सेवेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारा वर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ कमांड है एडिट कट कॉपी कॉपी लिंक पेस्ट एंड ब्लॉक, ये सारी कमांड हमको एक जगह मिल जाएगी ड्रॉ के अंदर, लाइन से लेकर टेक्स्ट तक के हमको पूरी कमांड देखना है। इसी तरीके से व्यू ऑटोकैड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारा जूम का काम होता है, जूम इन जूम आउट पैन और ऑर्बिट कैमरा एडजस्ट करना है। किस 3D वर्क करने के लिए हम जब ऑनर को बताते हैं तो किस तरीके से हमको कैमरा एडजस्टमेंट करना है, ये सारी चीज इसमें मिलती है। इसी के इसी तरीके से व्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें 3D व्यू। अब व्यूज के अंदर हमको ये चीज समझना चाहिए कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये व्यूज हमको समझना चाहिए कि टॉप किसको कहा जाता है, बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। इसके बाद जो है आइसोमेट्रिक साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। अब मैं जब मैं टॉप पर आ रहा हूँ तो हमारा अभी टॉप पर है, तो टॉप फ्रंट बैक ये 2D ड्राइंग करने के लिए हम यूज करते हैं। जब हमको प्लानिंग करना है, लाइन डेवलपमेंट प्लान बनाना है, तो हम जो है टॉप प्लान का इस्तेमाल करेंगे, टॉप व्यू का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर कभी हमको डेवलपमेंट प्लान को 3D में हमको बताना है, 3D बनाना है, तो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। अब जब मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक लूंगा तो हमारे यहाँ पर UCS आइकॉन चेंज हो जाएगा। अब इसमें इंडिकेट कर रहा है एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड हमारा 2D में भी था, बट लेकिन यहाँ पर जेड हमारा ये शो कर रहा है कि एलिवेशन। जेड क्या है? एलिवेशन। जब भी हम 3D वर्क करने जाएंगे तो हमको जो है हमारा जो है UCS आइकॉन चेंज हो जाएगा और 3D वर्क आसानी से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वापस से टॉप पर आए भी,
इसमें विजुअल स्टाइल है जो 3D को रेंडरिंग 3D और 2D में जाकर के वर्क किए जाते हैं। रेंडरिंग है लास्ट में जब हमारा प्लान कंप्लीट हो जाता है 3D, तो उसको किस तरीके से रेंडर किया करके प्रिंट आउट किया जाता है। इसी तरीके से इंसर्ट में जो है ब्लॉक का यूज है। फॉर्मेट फॉर्मेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें लाइन विड्थ, लाइन टाइप्स ऑफ लाइन, डिफरेंट टाइप्स की लाइन हमारे पास अवेलेबल है। लोड में हम जाकर के डैश से लेके जिगजैग तक के हमारे पास लाइन अवेलेबल है। आप जो भी टाइप्स ऑफ लाइन लेना चाहो इस पर रिक्वायर प्लान के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आगे हम देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इसका यूज बता रहा हूँ कि क्या कितनी कमांड है और क्या क्या हमको देखना है। सबका यूज अभी इंट्रोडक्शन होने के बाद आपको पूरा बताऊंगा। फॉर्मेट में डायमेंशन स्टाइल है, टेबल स्टाइल है, मल्टी लेडर स्टाइल है, पॉइंट स्टाइल है, मल्टी लाइन स्टाइल है। अब हमको यूनिट सेट करना है। सबसे पहले हम जब ऑटो कैड स्टार्ट करते हैं तो यूनिट इसके अंदर तीन टाइप के वर्क होते हैं। पहला सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो तीनों के यूनिट्स अलग अलग है। हम अभी सिविल्स कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर चाहिए, तो हमको किस तरीके से यूनिट सेट करना है। फॉर्मेट में जाने हैं, यूनिट यूनिट पर क्लिक करने बाद एक हमारे पास एक टेबल ओपन होगा जिसका नाम है ड्राइंग यूनिट्स। अब यहाँ पर दे रहा है लिंक टाइप। अब हमको प्लानिंग करना है, फीट में बनाना है या मीटर में बनाना है। अगर हमको फीट में बनाना है तो हम देंगे आर्किटेक्चरल, इसके बाद स्केल हम देंगे 0.5 इंच, फिर यूनिट टू स्केल इंसर्ट कंटेन में हम जा करके इसको इंचेस करेंगे। इंचेस करने के बाद ओके देंगे। यूनिट जो है दो पार्ट में सेट होती है। पहले हमने क्या किया, सिंपल फॉर्मेट में आके यूनिट में जाकर के सारी चीज को सेट कर दिया। दूसरा, अभी भी हमारी यूनिट मुकम्मल सेट नहीं हुई है, फिर हम रिवर्स से फॉर्मेट में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे। डायमेंशन स्टाइल में जाने के बाद हम मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में हमको प्राइमरी यूनिट एक मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड एक बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर हमको प्राइमरी यूनिट में जाना है। प्राइमरी यूनिट में सेम हम जिस तरीके से यूनिट में सेट किए तो यहाँ भी सेम वही हमको करना है। वहाँ हमने आर्किटेक्चर लिया था, यहाँ 0.00 0.5 इंच ओके। अब सेट करंट पर डबल क्लिक करना है। अगर हम सेट करंट पर सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे यूनिट नहीं सेट होता है, हमको इस पर डबल क्लिक करके क्लोज कर देना है। अब हमारा यूनिट सेट हो गया। फर्स्ट हम एक ड्रॉ लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो यूनिट है वो फिट में सेट हुआ है कि नहीं। और किस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। यूनिट सेट होने जैसा भी हमने यूनिट सेट किया उसको देख लेते हैं, उसके बाद में लाइन किस तरीके से, लाइन कमांड को किस तरीके से ऑपरेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लिक करके ड्रैग किया हूँ, ये ऑल डायरेक्शन पर हमारी लाइन जा रही है। मैं इसको F8 प्रेस करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल चलेगी। अब मैं 12 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। मैं इसको सिलेक्ट करके, अब ये जो आपको तीन ग्रीन कलर के दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रिड। ये ग्रिड का हम कलर और कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड, इसका हमको डायमेंशन लेना है किस तरीके से हमको, हमने जो यूनिट सेट किया है फिट में, तो क्या ये फिट में ड्राइंग सेट है कि नहीं। तो कर्सर, हम दो मेथड है इसके मेजरमेंट लेने के, तीन मेथड है। पहला, तो हम कर्सर पर जो ग्रिड कर्सर पर रखेंगे तो 12 फिट हमको शो कर रहा है। दूसरा, हम डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे लीनियर। अब जो लीनियर है ये दो ओनली टू पॉइंट को मेजरमेंट कर सकता है, एक तो वर्टिकल और एक तो हॉरिजॉन्टल। लीनियर एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए जो है लीनियर का इस्तेमाल होगा। क्लिक करके राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उठाना है। अब मैं बहुत जूम कर रहा हूँ तो हमको 12 फीट दिख रहा है और यहाँ पर एरोज वगैरह सिम्बॉल की साइज भी दिख नहीं रही है। तो हमको क्या करना है, इसकी भी एक सेटिंग आती है डी एंटर, शॉर्ट फॉर्म इसका है, शॉर्ट की इसकी जो है डी एंटर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, मॉडिफाई में जाना है, टेक्स्ट में जाना है। सबसे पहले हम जो टेक्स्ट जो दे रहे हैं, जो 12 फीट हमको जो जूम आउट करने के बाद शो हो रहा था
हम इसकी साइज को देते हैं 5 इंच। अब इंच जो है हम शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करेंगे, इंच आ गया। सिंबल एंड एरोस, एरो साइज 5 इंच। इसके बाद लाइंस, लाइंस में यहाँ पर डायमेंशन, लाइंस के कलर वगैरह ये चेंज करना है, लाइन टाइप कौन सी रखनी है, लाइन विड्थ कितनी थिकनेस रखना है कि नहीं रखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि जो हमारा प्लान जो बना है उससे डायमेंशन लाइन कितनी दूर रहेगी, हम देते हैं 5 इंच। ओके, सेट करने पर डबल क्लिक करके क्लोज। ये देखो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, एक लाइन ड्रॉ किया हूँ। अब ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 5 इंच हमारी जो डायमेंशन लाइन ऊपर गई है, ये एरोस 5 इंच पर हम सेट किए हैं, और ये जो 12 फिट जो हमको बता रहे हैं ये भी हम जो है डायमेंशन स्टाइल में जा करके 5 इंच का सेट किए हैं। इसी तरीके से अब इसमें ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, सिलेक्ट कर सिलेक्ट किस तरीके से किया जाता है और डिलीट कैसे किया जाता है हम देखते हैं। कुछ बेसिक चीज है जो हमको प्लान बनाने के टाइम पर थोड़ा सा नहीं समझती है, और छोटी छोटी चीजें है जो हमको देखना रहती है इसमें। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करने के 2 मेथड है। फर्स्ट, हम इसको ये जो ये विंडो है इस पर हमको पूरा ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं तो सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल जेड से इसको डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं। ये पहला सिलेक्शन है, बट लेकिन इसमें हमको पूरा, मैं इतना कर रहा हूँ तो नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। अब इसको मुझे सिलेक्ट करने के लिए पूरी विंडो इसमें लाना पड़ रही है, फिर ये सिलेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से मैं राइट से जो है इतना सभी मैं सिलेक्ट कर दूंगा तो दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। ग्रीन जो बॉक्स आ रहा है इसको मैं इतना सा भी लेकर के आप टच कर दूंगा तो ये पूरा जो लाइन हमारी सिलेक्ट हो जा रही है। ये सिलेक्ट करने के मेथड या इस पर रिक्वायर प्लानिंग के टाइम हमको लगता है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो है ड्रॉ कमांड से, अभी हम लाइन से लेके टेक्स्ट तक के पूरी कमांड देखेंगे, मॉडलिंग की कमांड देखेंगे, जो 3D मॉडलिंग कमांड पूरी देखेंगे। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के डायमेंशन हमको देखने हैं, मॉडिफाई इरेज से लेके एक्सप्लोड तक, मॉडिफाई इरेज से लेके एक्सप्लोड तक के पूरा हमको बताने हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ऑटोकैड, यहाँ पर जो है 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड क्लासिक, आमतौर से जो है ऑटोकैड क्लासिक्स, 3D मॉडलिंग और ऑटोकैड का डिफरेंस ये है कि 3D मॉडलिंग में हमको पूरी 3D मॉडलिंग शो होती है, और ऑटोकैड क्लासिक में हमको 2D वर्क करने के लिए हम ऑटोकैड क्लासिक को सेट करते हैं। इसी तरीके से हमको जो राइट में, लेफ्ट में जो है आपको कमांड दिख रही है, ये ड्रॉ कमांड के सिम्बॉल्स आपको शो हो रहे हैं। देखिए इससे कंपेयर कीजिए आप, ड्रॉ कमांड के पूरे सिंबल हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी तरीके से मॉडिफाई में, राइट में आपको जो कमांड दिख रही है ये मॉडिफाई कमांड, हमको मॉडिफाई कमांड के सिंबल्स हमको शो हो रहे हैं। अब बाय लेयर जब हम प्लान स्टार्ट करेंगे तो लेयर में किस तरीके से जाने, इंडिविजुअल जितने कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग है, वॉल है, डोर है, इसको किस तरीके से अलग अलग कलर में किया जाता है। लेयर का पर्पज जो है हाइड करना होता है ऑब्जेक्ट को, अगर कभी हमको बताना है तो कुछ पार्ट को हम हाइड करके लेयर के जरिए से हम उसको बता सकते हैं। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ कलर, सिलेक्ट कलर, 3 टाइप्स के कलर्स हैं, इंडेक्स कलर, ट्रू कलर, कलर बुक्स, हमको जो भी कलर्स लेने हैं हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय लेयर अब हम देखे थे टाइप्स ऑफ लाइन फॉर्मेट में जाकर के, हमने टाइप्स ऑफ लाइन देखी थी लोड करके, लोड में जा क्लिक करके इसके बाद जो है आप जो भी इस पर रिक्वायर आपको लाइन लेना है प्लानिंग के प्लानिंग के टाइम हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से थिकनेस ऑफ लाइन भी हम ड्रॉ, इसकी एक सेटिंग है जिस तरीके से मुझे अभी एक लाइन ड्रॉ करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करूँगा थिकनेस ऑफ लाइन, और लाइन विड्थ पर मैं जाके क्लिक करके डिस्प्ले लाइन विड्थ पे क्लिक करूँगा। ओके, अब लाइन का शॉर्ट एल एंटर है, क्लिक करके ड्रैग करूँगा 12 इंच, शो हो गया।
अब वही थिकनेस ऑफ लाइन को हटाना है, सेलेक्ट करके हमको जो भी लाइन लेना है हम यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ दिख रही है नीचे, इसको बोलते हैं टूगल्स की, इसमें जो है ऑर्थो डायनामिक इनपुट, ये जो आपको दिख रहा है एल एंटर, आपको जो स्ट्रिप दिख रही है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट। ये हम ऑफ ऑन दोनों कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ कमांड में लाइन कमांड। लाइन कमांड हमको किस तरीके से ऑपरेट करना है, फर्स्ट हम लाइन कमांड जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो लाइन कमांड स्टार्ट है, नीचे स्ट्रिप में हमको बता रहे, टेक्स्ट बार में हमको बता रहे कमांड, कौन सी कमांड स्टार्ट है, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर कर्सर में हमारा एक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं पिक बॉक्स, वो इस वक्त तो रिमूव हो चुका है, तो इसका मीनिंग है कि हमारी कोई भी कमांड स्टार्ट है, बट लेकिन कौन सी कमांड स्टार्ट है यहाँ पर हमको बताएगा कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इसका मीनिंग है कि आपकी लाइन कमांड स्टार्ट है। तो हमको लाइन कमांड किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करना है। अब हमको जितना भी लेना है, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ 36। अभी जब मैं यूनिट सेट करने में इंच लिया था, तो अगर कभी हम इंच इसलिए लिया था कि मैं डायरेक्टली जो है 3 फीट लेना है, तो उसका जो मैं 36 इंच भी डाल दूंगा तो हमारा यूनिट प्लान जो है प्रॉपर प्लान बन जाएगा, या फीट भी डाल सकता हूँ 3 फीट। एंटर, वन बार एंटर मैं करूँगा। अभी हमारी जो है डिस्प्ले लाइन भी हम चेंज कर देते हैं। अब लाइन कमांड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, लाइन का शॉर्ट है, लाइन कमांड का शॉर्ट है एल एंटर, ठीक है। क्लिक करने के बाद ड्रैग कर रहा हूँ 36, एंटर। अब स्पेस इस ऑटोकैड के अंदर जो कीबोर्ड में स्पेस जो है एंटर का वर्क करते हैं, 36 शॉर्ट कमांड एल एंटर, क्लिक करके ड्रैग करना है 3 फीट। अब एक बार मैं एंटर करूंगा कमांड कंटिन्यू चलते रहेगी, बस सिर्फ हमको डायरेक्शन चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ माउस के जरिए से हमको करना है 36, राइट क्लिक करके। अब हमारा एंड पॉइंट है, तो इसमें हम दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो आप 36 डाल के एंटर कर दो, या फिर आप राइट क्लिक करके क्लोज कर दो, ये ज्वाइंट हो जाएगा। अब ये क्लोज कब होता है इसको हमको देखना है। अभी हमारा जो डायमेंशन, हमने जो लाइन बनाया है, एक बॉक्स बनाया है, ये है 3x3 का, अब इसी तरीके से अभी हमने यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर क्या किया था, राइट क्लिक करके क्लोज कर दिया था, ये कब होता है। अब फिर से मैं लाइन कमांड स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइन कमांड का शॉर्ट फॉर्म है एल एंटर, शॉर्ट की है एल एंटर, क्लिक करके ड्रैग करना है 36। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, कमांड से बाहर आ जाता हूं, डबल एंटर करके बाहर आ जाता हूं। बाहर आने बाद फिर मैं एंटर कर दूंगा, वापस से हमारी कमांड स्टार्ट होगी, क्लिक करके ड्रैग करना है। अब मैं लास्ट मोमेंट पर मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं अभी यहाँ पर एक चीज समझो, हमने दो बार कमांड लिए, पहला हमने लिया था एक हॉरिजॉन्टल 3 फीट की ड्रॉ करके कमांड से बाहर आ गए थे, फिर हम दोबारा कमांड से 3 फीट के बाद हमने स्टार्ट किया था लाइन से ज्वाइन करके। अब यहाँ पर मैं लास्ट राइट क्लिक करके जब मैं क्लोज दूंगा तो हमारा जो एंड पॉइंट यहाँ पर बताएगा, ये क्यों यहाँ पर क्लोज हुआ है, इसकी वजह, इसका रीजन ये है कि हमने कमांड से फर्स्ट टाइम बाहर आ चुके थे, कमांड से हम जब लाइन स्टार्ट किए थे इस तरीके से, तो हम डबल एंटर करके एस्केप के भी जरिए हम कमांड से बाहर आ सकते हैं, और डबल एंटर करके भी हम कमांड से बाहर आ सकते हैं। जब हमने ये पोजीशन लिया फिर हम दोबारा स्टार्ट किए कमांड एल एंटर से, या रिपीट कमांड कर दिए एंटर प्रेस करके, तो फिर हम 36 राइट क्लिक करके जब हम क्लोज देंगे तो ये ज्वाइनिंग हमारी यहाँ पर होगी। इसका मीनिंग ये है कि आपने दो बार कमांड स्टार्ट किया,
यही चीज को हम एल एंटर, 36 एंटर, 36 एंटर, 36 एंटर, राइट क्लिक कर, ये एक कमांड से हमारी सीक्वेंस पूरी चलती है, या जब हम लास्ट मोमेंट पर इसको क्लोज देंगे तो ये एग्जैक्ट उसकी पोजीशन पर जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइन कमांड फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ 36 इंच। अब मुझे कुछ एंगल पर कमांड को ड्रॉ करना है, तो मैं इफेक्ट प्रेस करूँगा। इफेक्ट प्रेस करने के बाद आपको जो भी एंगल पर लेना है, मैं एंटर इफेक्ट प्रेस करना है। अब हमको इसमें हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन लाइन दोनों चलाने और दोनों के मेजरमेंट हमको देखने हैं, किस तरीके से मेजरमेंट होता है। 36 इफेक्ट, इफेक्ट से आप कोई भी डायरेक्शन पर आप लेके जा सकते हो, कोई भी एंगल पर आप लेके वर्क कर सकते हो। 36 42 फिर इफेक्ट प्रेस कर दो 36। अब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक 36 की। अब मुझको कमांड से बाहर आना है, या तो मैं स्केप दे दूं या फिर डबल एंटर। अब इसी तरीके से मुझे लाइन कमांड मैंने तीन टाइप की, एक हॉरिजॉन्टल, एक इंक्लाइन और एक वर्टिकल मैंने ड्रॉ की है। मुझे इसको मेजरमेंट पता रहने चाहिए। अब डायमेंशन में जाओगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट है। फर्स्ट है लीनियर, लीनियर से हम दो ऑब्जेक्ट मेजर कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सेलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल पॉइंट, दोनों को पकड़ के आप यहाँ पर बता रहे हैं 3 फीट। इसी तरीके से इंक्लाइन, अब इंक्लाइन के लिए हमारा दूसरा पॉइंट है अलाइन, क्लिक करना है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है, हमको बता रहे हैं 3 फीट। फिर उसके बाद और अलाइन है, इंक्लाइन लाइन पर पोजिशन ड्रॉ की गई है एंगल पर, रिपीट अलाइन, राइट क्लिक करके आप इसको भी शो कर सकते हो। इसी तरीके से फिर अब हमको लाइन ड्रॉ की हो, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन राइट क्लिक करके अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन है। मैंने आपको बताया था कि लीनियर जो है दो पॉइंट को मेजर करता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। लीनियर राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन, ये हमारा 3 फीट बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको लाइन कमांड के जरिए से हमको अभी आगे बहुत सारी कमांड है, स्टेंड कमांड है, ट्रिम कमांड है। अब मुझको मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 3 फीट की, 3 फीट की मैं लाइन ड्रॉ करने के बाद सेलेक्ट किया हूँ। अब मुझे आगे कमांड पता है, इसको मुझे एक्सटेंड करना है या कम करना है, तो आगे की एक स्पेशल इसके लिए कमांड है, बट लेकिन अभी वो कमांड हमको नहीं पता है, तो इस चीज़ को किस तरीके से करेंगे। कर्सर पर ग्रिड पे जाके कर्सर को रखना, एक लाइट ऑन होगा, हमको डायमेंशन बताएगा 3 फीट का, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करना है। अब आपको कितना बढ़ाने, 5 इंच दे दो, प्रेस कर दो, ये 5 इंच हो जाएगा। आपको 5 माइनस करना है, क्लिक करके इसको ड्रैग कर दो लेफ्ट साइड, ये हमारा पोजिशन जो है 3 फीट का आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें एल एंटर एक लाइन कमांड चालू की भी आपको इसमें जो दिख रहा है येलो कलर का कुछ सिंबल आ रहे हैं सेंटर और एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग कहाँ से की जाती है, एसई एंटर, इसकी सेटिंग का एसई एंटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर हम ये ऑब्जेक्ट स्नैप बंद कर दें तो हमको कोई भी पॉइंट जो है शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के देखो, एंड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, सेंटर है, नोड है ना, ये सारे पॉइंट हमको यहाँ पर शो है। ये इस तरह यहाँ से ऑन है, सिलेक्ट ऑल, यहाँ पर हम यहाँ से आके हम आसानी से ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से डायनेमिक इनपुट है, मैंने आपको बताया कि डायनेमिक इनपुट ये जो हमारा स्ट्रिप है जो बता रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये उसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट, इसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से लाइन कमांड किस तरीके से ड्रॉ करना है आपने देखा। अब लाइन कमांड के बाद हम दूसरी कमांड स्टार्ट करते हैं,
कंस्ट्रक्शन लाइन, इसका पर्पस क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्सेल एंटर। क्लिक करने बाद इसका इस्तेमाल जो है, इसका यूज जो है एलिवेशन सेक्शन बनाने के लिए हम जो है कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूंगा तो इसमें पांच ऑप्शन पूछेंगे, HOR, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक, ऑफसेट। तो अब कंस्ट्रक्शन लाइन एक्स लाइन जो है ये इनफाइनाइट लेंथ है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये पूरी ओवरऑल डिस्प्ले पर चलती है। मैं आपको फिर से स्टार्ट करके बता रहा हूँ, ड्रॉ एक्स लाइन सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, कमांड को पहले सेलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर HOR, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक, ऑफसेट ऑप्शन आएगी। अभी हमको इस HOR वर्टिकल लेना है। वर्टिकल लेने बाद हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद इसको ड्रैग करके क्लिक करके इसको छोड़ देने, ऊपर ड्रैग करके रख देने। अब अलग अलग डिस्टेंस पर हमको, डिफरेंट डिस्टेंस पर हमको एलिवेशन की तरफ हमको जाना है। 3 फीट ये हमारा प्लिंथ हाइट हो गया, फिर इसके बाद 3 फीट ये हमारी प्लिंथ वॉल, फिर 3 फीट विंडो, इसी तरीके से टोटल 7 फीट पर हमारा जो लिंटल हाइट होता है। स्लेब हाइट 3 फीट, फिर पैरापेट। इस तरीके से डिफरेंट डिस्टेंस पर हम एलिवेशन की तरफ मेन कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज एलिवेशन वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देख रहे हैं पूरी जो है डिस्प्ले पर, वो पूरा डिस्प्ले पर जो है ये लाइन दिख रही है, इसको हम मेजरमेंट भी नहीं कर सकते हैं। अब एलिवेशन बनाने हमको एक सिंपल, इसका मैं यूज बता रहा हूँ, इसका मैं चालू हुआ चालू। इसी तरीके से अब हमको, मैं जो आपको जो कंस्ट्रक्शन लाइन बता रहा हूँ इसका एक इसका इसका जो पर्पस है, सबसे पहले तो एक इनफाइनाइट लेंथ है, अब इसके एक इनफाइनाइट लाइन है, और इसके बाद इसका जो यूज है एलिवेशन सेक्शन ड्राइंग बनाने के लिए आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं एक सिंपल आपको एलिवेशन बना के बता रहा हूँ, प्रॉपर एलिवेशन हम बाद में देखेंगे, अभी इसका यूज बता रहा हूँ किस तरीके से यूज, जो HOR वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बाइसेक, एंगल का यूज किस तरीके से होता है, उसका यूज आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमको जाना है कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट क्लिक करके वर्टिकल क्लिक करके ड्रैग कर देना है। अभी हमारे ओपन जो एंट्री है हमारे 3 फीट की है, राइट क्लिक करके वर्टिकल क्लिक करके ड्रैग करना है 3 फीट। ये हमारा डोर है, इसी तरीके से एक 3 फीट का हम स्पेस देते हैं वॉल, इसके बाद 5 फीट की विंडो, फिर हमारा 3 फीट का एक स्पेस हम बता देंगे। अब कमांड से बाहर आने के बाद अब ये जो हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं एलिवेशन का, उतने को हमको ट्रिम करना है। आगे हमारे पास कमांड आने वाली है, अभी हम ये कमांड किस तरीके से ऑपरेट करते हैं ट्रिम ये भी देखना है। सेलेक्ट करके एंटर, ये हमारा प्लिंथ है, इसके बाद हम प्लिंथ वॉल पर आए, ये हमारी 7 फीट डोर हो गई, इसके बाद ये हमारा विंडो, एक सिंपल एलिवेशन है जो हम कंस्ट्रक्शन लाइन
के जरिए से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे हम डायमेंशन डाल करके प्रॉपरली देख लेंगे। अभी ये इतना ज़्यादा इसमें अभी डेवलपमेंट कुछ नहीं करना है, एक सिर्फ आपको यूज़ बताया हूँ कि एक्सेल इंटर लाइन का आप यूज़ किस तरीके से कर हमको किस तरीके से करना चाहिए। इसके बाद है एक्सेल इंटर में भी हमने दो पॉइंट देखा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है। क्लिक करके फिर मैं राइट क्लिक करके एंगल, ठीक है, अब मुझे एंगल एंटर एंगल ऑफ एक्सो लाइन। अब एलिवेशन अगर हमको निकालने स्लेब है, स्लोप टाइप का अगर कभी कुछ स्लेब है जिसमें हमको कवेलू वगैरह फिट करने के नंबर ऑफ कवेलू कितने लगेंगे, तो ये सारी चीज हम इसके अंदर से जो है निकाल सकते हैं। एक्सेल एंटर 45 डिग्री मैं दे रहा हूँ, इसको भी हम सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं जो भी डिस्टेंस पर देने हैं एज पर रिक्वायर। हम अलग अलग डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस पर हम इसको शो कर सकते हैं। ये भी इनफाइनाइट लेंथ है, इसको भी हम ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो है ट्रिम करेंगे। इसके बाद जो है राइट क्लिक करके एंगल बाइसेक्ट का यूज, बाइसेक्ट का हमारा इतना यूज नहीं है। इसके बाद है ऑफसेट, ऑफसेट जो है स्पेसिफिक ऑफसेट डिस्टेंस जो है ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑफसेट। फॉर एग्जांपल अभी मुझे वर्टिकल लाइन का ऑफसेट जिस लेना है 3 फीट, एंटर, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ऑफसेट का यूज करते हैं। ऑफसेट का शॉर्ट की है वो एंटर। आगे मॉडिफाई में भी हमारे पास ऑफसेट की कमांड आने वाली है, इसको भी हम देखें इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। बट लेकिन अभी हमको एक्सेल एंटर में जो कमांड शो हो रही है वो भी हम देखते चले गए। ऑफसेट का शॉर्ट है वो एंटर, और ऑफसेट से हम सिर्फ पैरेलल लाइन कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे हर ऑब्जेक्ट की पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे। ओ एंटर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 12, आप इंक्लाइंड पोजीशन पर लाइन को जो है। अब ऑफसेट में ये होता है कि आप एक डिस्टेंस जब दे दियो तो कंटिन्यूस वही डिस्टेंस ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। इसके लिए हमको चेंज करने के लिए वापस से हमको डिस्टेंस इसमें ड्रैग कर, इसमें ऑफसेट के अंदर जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ कर किया जाता है, और सेम डिस्टेंस जैसे मैंने 12 इंच दिया तो 12 इंच का ये पैरेलल लाइन हर ऑब्जेक्ट का ये ड्रॉ करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये कमांड कंट्रोल ए के जरिए से भी हम इसको डिलीट कर सकते, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है थर्ड कमांड, हम स्टार्ट करेंगे मल्टी लाइन। सेम जिस तरीके से हम लाइन ड्रॉ किया है उसी तरीके से मल्टी लाइन भी ड्रॉ करना है। मल्टी लाइन जब हम ये डेवलपमेंट प्लान जब हम बनाना है, हमको डेवलपमेंट प्लान बनाना है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इसको किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इसका मेथड सेम लाइन की जैसे लाइन प्लान लाइन ड्रॉ लाइन कमांड हम जिस तरीके से ड्रॉ किए सेम मल्टी लाइन भी हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। बट लेकिन इसमें एक स्केल सेट की जाती है, ये एक साथ दो लाइन चलेगी। मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, आप लोग क्लिक करना है राइट क्लिक करके स्केल, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद जस्टिफिकेशन स्केल और स्टाइल तीन ऑप्शन है, तो मैं स्केल पर जाऊंगा एंटर मल्टी लाइन स्केल। ये जो मल्टी लाइन स्केल जो पूछ रहा है थिकनेस ऑफ वॉल है, हमारा जैसे प्लॉट है 12 फीट बाय 25 फीट या 12 फीट बाय 32 फीट, तो ये जब हम डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं तो वॉल की थिकनेस हम इंक्लूड करते हैं। तो एक्चुअल जो इनर डायमेंशन हमारा जो रहता है ये एक एक फीट जो है माइनस हो जाते हैं। इसके बाद जो है एंटर लाइन एंटर मल्टी लाइन मैं दूंगा 6। अभी हमको जनरली हमारा थिकनेस ऑफ वॉल 6 इंच है, एंटर 6 देकर एंटर करना है। और जिस तरीके से हम एक साथ दो लाइन चल रही है डेवलपमेंट लाइन प्लान बनाने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें सेम जिस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ किया है 12 फीट एंटर 25 एंटर 12 एंटर राइट क्लिक करके इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर ये हमारा मल्टी लाइन प्लान से एक हमने 12 बाय 25 का एक छोटा सा प्लान ड्रॉ किया है। इसमें अब ये जो आपको सिलेक्ट हो रहा है पूरा ये क्या हो रहा है,
नहीं, मल्टी लाइन है। मल्टी लाइन मीन्स एक तरीके की पॉलीलाइन हमको बता रहे हैं, इसको तोड़ देना है, तोड़ इसको एक्सप्लोड करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक कमांड एक्सप्लोड, क्लिक कर देना है। या ये जो है कमांड, अब जो कनेक्टिविटी थी ज्वाइनिंग, ये टूट जाएगी। अब हम आसानी से इसके अंदर पार्टीशन लेस करके जो हमारा एज पर रिक्वायर ऑनर ने जो हमको रिक्वायरमेंट दिया है कि ग्राउंड फ्लोर पर हमको 1 BHK चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पर हमको 2 BHK 1 BHK चाहिए, तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑनर के हम अपना ड्राइंग डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं। इसी तरीके से मल्टी लाइन को भी हम मेजर करने के लिए लीनियर ले गए। लीनियर जो है सेलेक्ट करना है दोनों पॉइंट को इस तरीके से। इसके बाद रिपीट लीनियर राइट क्लिक करके आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो। अभी हमने जो थिकनेस ऑफ लाइन लिया है वो 6 इंच, वो भी हम जो है लीनियर में ही जा कर के मेजर कर सकते हैं। हमको बता रहे हैं कि 6 इंच है क्या हमारी थिकनेस ऑफ लाइन है। अभी हम एक प्लान छोटा सा बनाए हैं, इसके अंदर हम जो हमारी साइज थी 12x25, अभी इनर डायमेंशन भी हम यहाँ से शो कर सकते हैं। डायमेंशन का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट की है DI Enter से भी हम जो है मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। जिसके अंदर अब जब मैं DI Enter लूंगा तो हमको डायमेंशन होने के बाद एक डायनामिक इनपुट एक बॉक्स ओपन होगा। अभी मैंने वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर किया तो यहाँ पर बता रहे हैं डिस्टेंस वाई एक्सिस बता रहे 6 इंच। इसी तरीके से डेल्टा एक्स हमने 0 फीट, क्योंकि इसको हमने मेजर नहीं किया। DI Enter, अब डेल्टा एक्स बता रहे 6 इंच और डिस्टेंस डेल्टा वाई जो है 0 बता रहे। डेल्टा जेड एलिवेशन हम तो मेजर नहीं किए। अभी डेल्टा एक्स हमने मेजर किए तो डिस्टेंस हमको बता रहे 6 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है DI का यूज शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अब मल्टी लाइन के अंदर एक ऑप्शन है जस्टिफिकेशन। अब हमको किस तरीके से डेवलपमेंट लाइन स्टार्ट ड्रॉ करना है ये देखने हमको। मल्टी लाइन सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद जस्टिफिकेशन, इसके अंदर एंटर जस्टिफिकेशन टाइप। इसमें 3 टाइप है, एक टॉप, एक जीरो, एक बॉटम। अब हमको इसमें किस तरीके से करना है, टॉप सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट स्नैप है हमको सेंटर पर लेना है। जब मैं सेंटर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखिए एक साइड का हिस्सा जो है हमारा लार्ज हो गया है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, फिर भी यहाँ हम डायमेंशन के जरिए से देखेंगे। लीनियर ये बता रहे 5 फीट 6 इंच, अब ये बता रहे 5 इंच। ठीक है, इसी तरीके से जस्टिफिकेशन में फिर से हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। राइट क्लिक करके 0, अब ये सेंटर पूरा जो है हमारा इसमें पार्टीशन पूरा सेम आएगा, 5 फीट 3 इंच 5 फीट 3 इंच, ये दोनों साइड इक्वल है हमारी। इसके बाद बॉटम में आप जाओगे, राइट क्लिक करके जस्टिफिकेशन बॉटम, तो ये एक साइड अभी हमारा राइट का बड़ा था, अब ये लेफ्ट साइड का हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड हमको बताएगा 5 फीट 6 इंच। ये हम जस्टिफिकेशन का मल्टी लाइन का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड कमांड कंप्लीट हुई। अब हम इसके बाद आते हैं पॉली लाइन। पॉली लाइन जो है पॉली लाइन सेम जिस तरीके से आप मल्टी लाइन और लाइन ड्रॉ की है, इसी तरीके से हम पॉली लाइन ड्रॉ करेंगे। बट पॉली लाइन का यूज जो है 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम पॉली लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पॉलीलाइन जो है ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पॉलीलाइन का इस्तेमाल होता है। किस तरीके से हमको पॉलीलाइन ड्रॉ करने है देखना है और हमको कंपेयर करने है लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद 3 फीट इंटर, 3 फीट इंटर, 3 फीट इंटर, राइट क्लिक करके क्लोज। यह हमने पॉलीलाइन से किया। अब इसका सिलेक्शन 4 ग्रिप में बता रहे हैं, सारी जिस जो कनेक्टिविटी है एक कनेक्टिविटी में बता रहे, इसी कंपेयर में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसका जो सिलेक्शन मेथड जो इंडिविजुअल लाइन हमको लेना पड़ रहा है, ये लाइन है और ये पॉली लाइन है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है। अब डिफरेंस हम 3D में क्या है दोनों का, लाइन और पॉली लाइन, लाइन भी पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाती है किस तरीके से, हमारे पास आगे कमांड है ड्रॉ में बाउंड्री, बाउंड्री ओके पॉली लाइन, ये हम इसको इस तरीके से लाइन को भी पॉली लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट लेकिन अभी हमको डिफरेंस देखना है लाइन और पॉली लाइन का 3D में क्या इफेक्ट होता है। इसको 3D व्यू में जाके मैं आइसोमेट्रिक लूंगा। आइसोमेट्रिक लेने के बाद ये हमारा पॉली लाइन है और ये लाइन है। पॉली लाइन को सिलेक्ट करने के बाद लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद ड्रॉ में मॉडलिंग स्ट्यूट एक कमांड है, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये 3D कमांड है। अब ये हाइट ऑफ स्पेसिफाई हाइट ऑफ स्ट्रिंग, अब हमको जितनी भी हाइट रखना है मैं 5 फीट देता हूँ। अब ये हमारा पॉलीलाइन और ये लाइन में डिफरेंस व्यू विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक में जाने, रियलिस्टिक में जाने के बाद हमको यहाँ पे कलर को चेंज कर देना। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा कलर क्या है, मैं रेड कलर देता हूँ। अब ऑर्बिट के जरिए से, अभी जो आपको पॉलीलाइन के जरिए से मैंने आपको ऑब्जेक्ट बना के बताया सॉलिड, ये पॉलीलाइन में जो बॉक्स से बनाए ये पॉलीलाइन का, अब जो लाइन से हमने जो 3D ऑब्जेक्ट बताया ये ग्रिड बनी है, इसका कोई यूज नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि लाइन का जो है 3D में कोई यूज नहीं है। अगर आप लाइन बनाए भी हो तो उसको पॉलीलाइन करना कंपल्सरी, अगर 3D में बनाना चाहते हो तो लाइन को जो है पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है। इसके बिना अगर कभी आप 3D ऑब्जेक्ट आप लाइन का बनाओगे तो इस तरीके का आपको स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम 3D ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट के जरिए से मैं आपको रोटेट करके बताया हूँ एक्सिट। अब वापस से हमको 2D में आने विजुअल स्टाइल 2D वायरफ्रेम, अभी हम 3D पर है, वापस से हम टॉप पर आ जाएंगे। यह हमारा डिफरेंस है पॉलीलाइन का यूज 3D ऑब्जेक्ट के लिए किस तरीके से किया जाता है। तो हम मैंने आपको डिफरेंस बताया अभी लाइन और पॉलीलाइन का, डिफरेंस क्या है, पॉलीलाइन जो है 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और आप पॉलीलाइन को भी जब हम पॉलीलाइन ड्रॉ करते हैं इसको भी आप तोड़ सकते हो। हमने पॉलीलाइन बनाई, अब इसको भी हमको तोड़ना है, एक्सप्लोड करना है। मॉडिफाई में मैं कमांड बताया आपको राइट लास्ट में, एक्सप्लोड इसका शॉर्ट है ई एंटर, ठीक है, एक्सप्लोड का शॉर्ट है ई एंटर। और पॉलीलाइन को, लाइन को पॉली लाइन में कन्वर्ट करने के लिए बीओ एंटर बाउंड्री के शॉर्ट की है इसकी, हमने बीओ कर दिया। अब ई एंटर से जो है एक्स एंटर से हम इसको एक्सप्लोड भी कर देंगे, एक्सप्लोड का शॉर्ट की जो है एक्स एंटर है। इसके बाद पॉलीगॉन, हम जिस तरीके से ये 3D पॉली लाइन है जब 3D देखेंगे तो इसको स्टार्ट करेंगे। अभी हम 2D ड्राइंग की जितनी कमांड्स है वो कमांड हम को देखना है। पॉलीगॉन के अंदर जिस तरीके से हम पेंटागॉन हेक्सागॉन बनाते हैं ये एक ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, ज्योमेट्रिकल कमांड है जो हम ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते, यूज कर सकते हैं। क्लिक करना है एंटर नंबर ऑफ साइड, अभी मैं दे रहा हूँ पेंटागॉन 5, एंटर क्लिक करना है, एंटर एन ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन है,
दोनों ऑप्शन में आपको जो भी ऑप्शन लेना है इस पर रिक्वायर आप लेके इसको डिस्टेंस आप दे सकते हो। इस तरीके से हमारा जो है पॉलीगॉन की कमांड हम ज्योमेट्रिकल कमांड है, सिंपल कमांड है, इसमें इसका कुछ डीप नहीं है, ये आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। पॉलीलाइन का शॉर्ट POL इंटर है, पॉलीलाइन का जो शॉर्ट कमांड है POL इंटर, एंटर द नंबर ऑफ साइड, आपको जितना भी सेगमेंट रखना है 10 रखना है एज पर रिक्वायर आप रख सकते हो, जो भी डिस्टेंस देना आप ये करके इसको रेडियस में बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जो सी अब इसके बाद जो कमांड है रेक्टेंगल कमांड, रेक्टेंगल कमांड का इस्तेमाल किस तरीके से होता है ये भी एक पॉलीलाइन कमांड है। हेलो, रेक्टेंगल कमांड क्लिक करना है, किस तरीके से रेक्टेंगल कमांड को हमको ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल कमांड लेना है। इसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछ रहे, क्लिक करना है। जब स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट पूछेगा, जो डायनेमिक इनपुट में हमको शो हो रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ पर दो डायनेमिक इनपुट हमको वैल्यू पुट करना है। अब हमको रेक्टेंगल कितने का बनाना है 12 फीट। इसके बाद ये हो गया, ये पॉलीगॉन के सेगमेंट का साइज साइज के साथ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर? पॉलीगॉन है जो उसके सेगमेंट साइज भी देना है सर, साइड्स के दे सकते हैं ना उसको? हाँ तो सर कैसे देंगे, मेथड बताओ ना। पहले इंटर द नंबर ऑफ साइड्स, अब ये जो है मैं दे रहा हूँ पेंटागॉन 5, क्लिक करने बाद इंस्क्राइब इन सर्कल, अब इसमें मैं 3 दे रहा हूँ, तो ये 3 से जो है सब ये ऑल साइड को जो है 3 से डिवाइड कर देगा इसमें। हेलो हेलो, हाँ ये ऑल साइड को जो है 3 से डिवाइड कर देगा जब हम इसमें 3 देंगे तो। रेक्टेंगल कमांड फिर से हम देखते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछेगा तो हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट पूछ रहे हैं और हमको दो वैल्यू पुट करना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो 12 फीट। इसके बाद हमको दूसरे बॉक्स में जाना है, एक टैप प्रेस कर दो ये लॉक हो जाएगा, दूसरा अनलॉक हुआ, अब हमको देना है 30 फीट, प्लीज एंटर। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल के जरिए से हम डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से ग्रिड के जरिए से भी आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये रेक्टेंगल कमांड जो है ये हमारी पॉलीलाइन कमांड है, इसको भी आप एक्स एंटर के जरिए से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो हम डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए, इसे भी हमको डेवलपमेंट प्लान बनाना है, तो हम थिकनेस ऑफ वॉल देते हैं, तो आसानी से हम जो है ऑफसेट के जरिए से जा करके जो भी 6 इंच का है हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हम इस ये पोजिशन पर करेंगे तो हमको एक काम ये बढ़ जाएगा कि हमको ये ट्रिम करना पड़ेगा। यही चीज को अगर कभी हम रेक्टेंगल ही पोजीशन पर रहे और ये पॉलीलाइन पर रहे, पॉलीलाइन पर ये और ओ एंटर ऑफसेट का शॉर्ट की 6, तो हमको ट्रिम करने का काम जो रहेगा वो आसानी से इस चीज हम कर सकते हैं। फिर हम इसको बाद में एक्स एंटर के जरिए से जो है इसको एक्सप्लोर करके फिर हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो बेस पर हम जो है ड्राइंग प्लान को ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से रेक्टेंगल का शॉर्ट जो है, शॉर्ट की जो है आर ई सी जो है रेक्टेंगल का शॉर्ट है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करना है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, दोनों वैल्यू हमको पुट करना है 23 फीट
टैब प्रेस करके दूसरे बॉक्स में जाना है, 38 फीट, एंटर। ये हमारा रेक्टेंगल के जरिए से हम कोई भी प्लॉट साइज भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब इलेक्स कमांड, ये भी 3D कमांड है। जब हमारा 3D देखेंगे तो जितनी कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ, 3D पॉलीलाइन, इलेक्स, ये सारी कमांड हम 3D में देखेंगे। अब आर्को, आर्को के अंदर बहुत सारी कमांड है जिसके अंदर हमको स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, ये सारी कमांड हमको देखते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट थ्री आर्को थ्री पॉइंट। आर्को का शॉर्ट की जो है ARC ही है, जो लिखा है वही है। इसी तरीके से थ्री पॉइंट क्लिक करना है। अब आर्को जो है कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं ड्रॉ होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्थो ऑफ कर देंगे एफेट प्रेस के, एफेट के जरिए से। अब हमको हम थ्री पॉइंट आर को जो कमांड लिए हम थ्री पॉइंट है, हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर एंड हो चुका है। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर, यानी फर्स्ट से लेकर सेकंड तक के हमको कितना डिस्टेंस ड्रॉ करना है। मैं दे रहा हूँ 3 फीट, यही सेम। अब स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर मीन्स थर्ड पॉइंट, पहला हमने जो लिया जो क्लिक करके ड्रैग किया और सेकंड में हमने डिस्टेंस दिया, अब थर्ड में हमको पूछ रहा है कि स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर, यानी सेकंड के बाद जो थर्ड पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना देना है। मैं दे रहा हूँ सेम डिस्टेंस दे रहा हूँ 6 3 फीट 36 इंच, ये हमारा आर्को बन गया। अब डायरेक्शन आप जिधर भी लेना चाहो, आर्को थ्री पॉइंट में आप जिधर भी इसको रोटेट करना चाहो रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अब डायमेंशन में आर्को लेंथ मेजर करना है, तो यहाँ पर हमको शो कर रहे आर्को लेंथ, क्लिक करके आप जो है आर्को लेंथ देख सकते हैं। आपको मिल गया, ये हमारा 6.1 इंच है, ये यूनिट हम एक और सेटिंग में है तो ये हट जाएगा, ये 1 इंच हो, इसका कोई इतना वो नहीं रहता है, बट लेकिन हमारा जो आर्को है 6 फीट का हमने आर्को ड्रॉ किया है। इस तरीके से ड्रॉ किए आर्को थ्री पॉइंट। फिर से हम एक बार और ड्रॉ करते हैं आर कमांड, क्लिक करके 24 स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट था हमने लिया, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, हमने आर को ड्रॉ किए। आर को जो है हम आर को लेंथ के जरिए जो है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब इसके बाद जो पॉइंट है स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, किस तरीके से हमको देखना है ये देखना है। स्टार्ट सेंटर एंड, अब क्या बोले हमको कमांड के अंदर ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर एंड, अब किस तरीके से ड्रॉ करना है इसका हम एक बेस पॉइंट बनाते हैं, बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। एल एंटर क्लिक करके ड्रैग करना है फिट 36। अब इसके बाद यहां पर ऑप्शन बोले स्टार्ट सेंटर एंड, अब हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप चालू रहने से ऑब्जेक्ट स्नैप के इसके अंदर काम है स्टार्ट सेंटर एंड, ये हाफ का रो बनेगा जिसका बेस पॉइंट हमारा 3 फीट ही है। हमने इसका मेजरमेंट नहीं बताया अभी क्योंकि सिर्फ सिंपली ड्रॉ करने का बोले कि स्टार्ट सेंटर एंड। इसी तरीके से मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँगा स्टार्ट सेंटर एंड, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका जो बेस पॉइंट है हमारा 3, तो ये जो हम आर को ड्रॉ किए कितने फिट के 3 फिट के बेस पर, बेस लाइन पर ये ड्रॉ किए। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर एंगल, अब मुझको
एंगल पूछ रहा है यहाँ पर, स्टार्ट सेंटर एंगल। अब एक्स एक्सिस से कितना एंगल देना है, जो हमारा बेस लाइन है इसमें भी एक बेस लाइन की जरूरत होगी। आप बेस लाइन ड्यूरिंग प्लान के हिसाब से आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो। अब यहाँ पर एंगल पूछ रहे, मैं दे रहा हूँ 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री एक्स हॉरिजॉन्टल से ड्रॉ हुआ है, हम इसको मेजर कर सकते हैं एंगुलर में जाकर के। ये 45 डिग्री का हमारा आर्क जो है एक्स पोजीशन से बनाए। इसी तरीके से स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर एंगल 34, लेफ्ट से किया हूँ तो डाउनवर्ड पोजीशन पर ही हमारा एंगल आए एंगुलर 34 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से यार को इस पर रिपेयर आप जो है प्लानिंग एलिवेशन वगैरह के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर कर्व टाइप की विंडो हो, डोर हो, या ऐसा कुछ गार्डनिंग प्लानिंग हो तो आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से आर्को में एक और पॉइंट है हमारे पास, स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ किस तरीके, इसके लिए भी हमको एक बेस लाइन की ज़रूरत है। हम 3 फीट का एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें आर्को में स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट सेंटर लेंथ। अब पूछ रहा है लेंथ कितनी देना है, मैं 24 2 फीट की देता हूँ। ये एक्स एक्सिस से जो हमारी लेंथ होती है ये 3 फीट पर है, टू फीट की लेंथ है। ये लेंथ भी हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, हमारी लेंथ 2 फीट की है। इसको 3 कर देंगे तो डायरेक्टली ये जो है हमारी जो बेस लाइन है इस पर ज्वाइंट हो जाएगा। जो हमारा बेस लाइन है इस पर ये पूरी लाइन जो है ज्वाइंट हो गई, ये 3 मीटर की हमारी जो है लेंथ तो मिल जाएगी। इसी तरीके से इसके बाद जो है स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड एंगल का यूज, स्टार्ट एंड डायरेक्शन का यूज, स्टार्ट एंड रेडियस का यूज किस तरीके से है। अब हमको इसमें 2 पॉइंट्स चाहिए, अभी हमने एक बेस लाइन 3 फीट भी लेकर के किया था, अब हमको इसका 2 पॉइंट्स चाहिए। ये 2 पॉइंट फिक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि 2 पॉइंट हम मैं ले रहा हूँ, इसका 2 पॉइंट लिया हूँ, एक ऑफसेट के जरिए मैं इसको लिया हूँ। इसी तरीके से अब यहाँ पर मुझे स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एंड स्टार्ट हो गया और ये एंड हो गया। अब एंगल, अब मैं इफेक्ट प्रेस करने के बाद अभी मैं यहाँ पर एंगल ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट दोनों, तो इसमें एक डायनामिक इनपुट में लिखा रहा है स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल। मैं इधर ड्रैग कर रहा हूँ तो एंगल कितना आ रहा है 169 यानी 150 को अबव, और शेप ये पोजीशन पे बन रहा है। यही चीज़ को मैं ड्रैग इधर कर रहा हूँ तो शेप एकदम नॉर्मल बन रहा है, और लेकिन एंगल कितना पूछ रहा है 12। ठीक है, आपको जो भी एज पर रिक्वायर है, जैसे भी आपका प्लान है आप उस हिसाब से जो है एंगल, मैं देता हूँ 130 एंगल दिया, ये एंगल हमारा बन गया। तो 130 पर जो है हमारा एक कर्व ड्रॉ हो गया। सेकंड, इसी तरीके से स्टार्ट एंड डायरेक्शन क्लिक करके ड्रैग करना, स्टार्ट एंड हो गया। अब डायरेक्शन आप देखो, मैं इधर ले रहा हूँ, अभी हमने लास्ट कमांड जो देखी थी उस पर मैं ड्रैग कर रहा था तो शेप कितना कम बन रहा था और एंगल भी कम पूछा। अभी इसमें एंगल जो है स्पेसिफाई टेंजेंट डायरेक्शन फॉर द स्टार्ट पॉइंट में क्या ले रहे हैं, एंगल कम ले रहे हैं। अब जो भी एंगल मुझको देना है 12 मैं दे सकता हूँ। इसी तरीके से रिपीट स्टार्ट एंगल, ऊपर से मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, जो भी एंगल मुझे देना है यहाँ पर 130 मैं इसको बना सकता हूँ। यह इस पर रिक्वायरमेंट है, आपको जैसा प्लान के जरिए काम करना है वैसा आप बना सकते हो। इसी के बाद जो है स्टार्ट एंड रेडियस है, ये इसके लिए भी 2 पॉइंट लगेंगे। इसके बाद अब हम स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ। ये जो तीनों जो कमांड है, फर्स्ट हम जो देखे थे स्टार्ट सेंटर एंड, सेम इसी तरीके की कमांड है। हमको एक बेस लाइन चाहिए, मैं आपको एक बार ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर स्टार्ट
सेंटर स्टार्ट एंड, यहाँ से सेंटर लोगा स्टार्ट एंड, सेम ड्रॉ कमांड वही से सेम यूज होगी, ऑब्जेक्ट सेम वैसे ही बनेगा, बट सिर्फ इसमें नेमिंग का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यू कमांड, जैसे मैं अभी कंटिन्यू कमांड का यूज किस तरीके से होगा, जैसे मैं अभी थ्री पॉइंट कमांड यूज किया हूँ, इफेक्ट के जरिए से जो भी मैं थ्री पॉइंट कमांड यूज किया, अब मुझको कंटिन्यू कमांड यूज करना है, तो मैं आरपो के जरिए कंटिन्यू, आपको जो भी कमांड देना है कितनी जो भी लेंथ देना दे सकता हूँ, और राइट रिपीट कंटिन्यू आप यहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब इन केस अब यहाँ से आप कंप्लीट होने बाद अब फिर से आपने कमांड लिया थ्री पॉइंट, अब चाहोगे कि यहाँ से कंटिन्यू और फिर आप कंटिन्यू कमांड स्टार्ट करोगे, तो ये कंटिन्यू यहाँ से वो जो लास्ट कमांड आपने छोड़ा है, करंट कमांड आप जो है वो कमांड से जो है स्टार्ट होगा। इसी तरीके से इसके बाद जो है सर्कल, सर्कल के अंदर जो है हमारे पास सर्कल का, सर्कल कमांड की जो शॉर्ट की है सी एंटर है, जिसमें सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, टेन टेन रेडियस, टेन टेन टेन। अब सेंटर रेडियस किस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल का यूज हमारे लिए डोर वगैरह बनाने के लिए, ये भी ज्योमेट्रिकल कमांड है जिसका हम यूज प्लान के अंदर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सर्कल सेंटर रेडियस क्लिक करके ड्रैग करना है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अभी जैसे मुझे 10 मीटर का 10 फीट का सर्कल बनाना है, तो अभी मैं कमांड जो लिया हूँ रेडियस की लिया हूँ, तो मैं उसको 5 फीट दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा एक सर्कल बन गया, 5 उसका रेडियस है और डायमेंशन उसका 10 है। अब हमको देखना है रेडियस, रेडियस कितना है, R4 रेडियस हमको शो होगा डायमेंशन में, R5 क्या हमारा ये रेडियस पूछा है, रेडियस है और डायमीटर हमको देखना है, तो पाई जो है हमारा डायमेंशन का सिंबल के साथ ही हमारी सर्कल की जो पूरी साइज है ये 10 फीट की डायमीटर की साइज है। इसी तरीके से अभी मैंने जो कमांड यूज सेंटर रेडियस, क्या था ये सेंटर रेडियस के जरिए से मैं जो भी रेडियस देना, अगर मुझे 10 मीटर का सर्कल चाहिए तो मैं 10 दूंगा तो ये 20 का बन जाएगा, उसका रेडियस हमको देना है। जैसे 5 का चाहिए तो मैं उसका हाफ दूंगा 30। अब हम जो है डायमेंशन से जाके इसको रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सेंटर डायमीटर, सेंटर डायमीटर भी पूछो ऊपर सेंटर रेडियस सेंटर डायमीटर। अभी एक चीज इसमें जब सेंटर रेडियस से मैं कुछ बता रहा था, जो डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको सेंटर से लेके स्टार्ट तक, तो ये डॉटेड लाइन चल रही है इसमें हाफ पर चल रही है, लेकिन स्टैंड जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ दोनों तरफ ही स्टैंड हो रहा है। यही चीज यहाँ पर सेंटर डायमीटर में जो डॉटेड लाइन है पूरे ओवरऑल सर्कल पे स्टार्ट से लेके एंड तक के, ठीक है। और जब मैं इसको स्टैंड कर रहा हूँ तो स्टैंड जो है दोनों साइड हो रहा है। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई, अब हमको डायनेमिक इनपुट में पूछ रहा है कि स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल कितना, अब इसमें डायमीटर डालना है। अगर आपको 10 मीटर का सर्कल चाहिए, ठीक है, तो आप उसका 10 उसका कितना डालोगे, 10 डालोगे, 10 फीट। अब डायमेंशन में आके आप डायमीटर में आसानी से इसको मेजर कर सकते हो कि हमारा सर्कल, अब इसका रेडियस भी आप बता सकते हो कि इतना इसका रेडियस है, डिटेल में आप इसकी मेजरमेंट बता सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद एक पॉइंट है टू पॉइंट। अब टू पॉइंट भी सेम जिस तरीके से हम सेंटर डायमीटर ड्रॉ किया है, इसमें भी हमको डायनेमिक इनपुट में पढ़ना है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड, यानी पहला और दूसरा पॉइंट, पॉइंट ऑफ सर्कल डायमीटर क्या है, जो हमारा फर्स्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ सर्कल डायमीटर, क्लिक करके ड्रैग करना है। ये भी सेम जिस तरीके से हम सेंटर डायमीटर की कमांड है, इसी तरीके से हम ये कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटर डायमीटर। अभी हमको सेंटर डायमीटर जो बता रहे कितना देना है हमको डायमीटर, 5 मीटर का सर्कल बनाना है तो 5 का हम डायमीटर दे देंगे। ये हमारा डायमेंशन में आप जाके इसको डायमीटर चेक कर सकते हो, मेजरमेंट देख सकते हो कि हमारे ये सर्कल 5 मीटर का है। बस इसमें नेमिंग क्या चेंज है कि टू पॉइंट्स, जब हम टू पॉइंट सर्कल ले रहे हैं तो स्पेसिफाई यहाँ पर बता रहे स्पेसिफाई फर्स्ट एंड, पहला और आखिरी मीन्स टू पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ सर्कल डायमीटर, क्लिक करके आप ड्रैग करो 3 फीट का सी, आप 3 फीट सर्कल ऑफ डायमीटर शो कर सकते हो।
ठीक है। इसी तरीके से 3 पॉइंट का इतना यूज नहीं है, इसका 10 10 में हो जाता है। अब 10 10 रेडियस, अब दो टेंजेंट हमको बनाना है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कि मैं दो टेंजेंट बनाया हूँ। अब यहाँ पर जैसा हमको ऑप्शन बता रहे वैसे हमको ड्रॉ करना है 10 10 रेडियस। क्लिक करना है स्पेसिफाई फर्स्ट टेंजेंट ऑन ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट करना है स्पेसिफाई सेकंड, ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट टेंजेंट या सेकंड टेंजेंट। अब स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, जो टेंजेंट जो जो दोनों के कॉर्नर पर जो बनेगा सर्कल इसका रेडियस बोल रहे हैं। अब मुझको रेडियस देना है 5, हमारा सर्कल यहाँ पे इसके दोनों के टेंजेंट के बीच में हमारा सर्कल बनेगा। तो इसको बोलते हैं, जो कमांड का नाम है 10 10 रेडियस। ठीक है, हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। रॉ में 10 10 रेडियस, फर्स्ट 10 सेकंड 10 स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, मैं दे रहा हूँ 4, हमारा 8 इंच का सर्कल बने। आप पीस का मेजरमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, बस इसके लिए दो टेंजेंट का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो है टेंजेंट पर ही हमारा सर्कल बनेगा। अब इसके बाद दूसरी जो कमांड है 10 10 10, अब मैं 10 10, इसमें कोई रेडियस नहीं पूछा है, कोई डायमीटर नहीं पूछा है, बस सिर्फ एक बेस पॉइंट हमको बनाना पड़ेगा 10 10 10। मैं पॉलीगॉन में जाता हूँ, पॉलीगॉन में एंटर द नंबर ऑफ साइड 3, क्लिक करके एक 4 फीट का एक टेंजेंट बनाता हूँ रेडियस। इसके बाद अब 3 टेंजेंट है यहाँ पर बता रहे सर्कल 10 10 10, फर्स्ट 10 सेकंड 3rd, ये पूरे ओवरऑल पे सर्कल लेगा। अभी क्या साइज लेगा, जो भी साइज आप इसके दिए, किसकी टेंजेंट एंगल ट्रायंगल की, इसकी हम बना सकते हैं। तो इसका भी मेजरमेंट जो है डायमेंशन में जाकर के आप कर सकते हो। और फिट गए, अब हमने जो इस पॉलीगॉन भी लिया था, ये रेडियस इसका 4 फीट ही था। ठीक है, इसी तरीके से मैं स्क्वायर बनाता हूँ रेक्टेंगल के जरिए से, 3 एक स्क्वायर बनाया हूँ, इसमें भी मैं 10 10 अप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी शेप लो आप, उसको 10 10 अप्लाई कर सकते हो। अब जो जिस तरीके से रेक्टेंगल हमारा बना है 3 बाय 3, 3 फीट बाय 3, 3 फीट बाय 3 फीट का, तो हमारा जो सर्कल भी है वो भी 3 फीट का ही, डायमीटर 3 फीट का ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद सर इसका क्योंकि ये एक सर्कल के सब पॉइंट से निकली है। सर्कल की शॉर्ट की सी एंटर है, बट लेकिन जो इसका जो है 10 10 ये सब इसका पॉइंट भी है, तो इसकी शॉर्ट की नहीं है। आपको जब कोई भी वर्सन पे आप जब डालोगे सी एंटर, तो उसका पूरा नीचे बता देंगे सी से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड कितनी कमांड है। हेलो सर, ट्रायंगल का शॉर्ट क्या है? एंगल का ट्रायंगल का शॉर्ट क्या है सर? एंगल का शॉर्ट की ट्रायंगल का सर, ट्रायंगल हाँ, ट्रायंगल जो है ये ज्योमेट्रिकल कमांड है ना, हमने इसको बनाया है ना, इसको यहाँ पर पॉलीगॉन से आप ट्रायंगल बना सकते हो और बोलना चाहिए पेंटागोन हेक्सागोन बना सकते हो। ये बना ट्रायंगल एक कमांड नहीं है, इसको हम ड्रॉ किए। कैसे ड्रॉ किया, मैं एंटर द नंबर ऑफ साइड 3 लिया हूँ, क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आए, मैं इस पर क्लिक करके हमारा ट्रायंगल जितनी 3 साइड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस पर हमारा ट्रायंगल बने। अब इसकी स्पेशल ट्रायंगल की कोई कमांड नहीं है हमारे पास सर। ये
ट्रायंगल का जो सेगमेंट है सर उसकी 5 इंच इक्वल साइड का बनाओ तो सर वो समझ नहीं रहे सर, वो सेगमेंट साइज देकर यानी कि जो ट्रायंगल है इसको क्या करूं, सब साइड जो रहेंगी सर उसके 3 इंच 3 फीट या 3 इंच की बनवा दो। अब इसके अंदर जो ट्रायंगल अपना बन रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहे अपने को रेडियस पूछ रहे। हेलो हेलो यस सर, हाँ इसका जो है हमको रेडियस पूछ रहे। अब सब सेम इक्वल के लिए तुमको जो है लाइन कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि जिस तरीके से आप लाइन कमांड यूज करके आप इसको बना सकते हो। अब इसमें जो है सेम साइज का अगर कभी आप इसमें, क्योंकि ऑप्शन रेडियस का पूछते हैं, ठीक है, कि आपको कितना रेडियस का रखना है। ये हमारा रेडियस, अब ये इक्वल साइज, ये जो इसकी तो जो इक्वल साइज आएगी, बट लेकिन इसका जो लेंथ है ना एक जेड जो है, ये हमको रेडियस में, ये मेन है रेडियस में जो पूछ रहे फुट कितना रहे वो बताना अपने को। हम 3 देंगे तो ये 3 लेगा, बट लेकिन जो है मेन इसका रेडियस स्केल है, इसकी लेंथ की स्केल नहीं है। अब इसके बाद जो है हम मॉडिफाई कमांड की तरफ आते हैं। मॉडिफाई के अंदर जो है क्या करो, इतना मॉडिफाई बता दीजिए बाकी है भी, और बाकी अच्छा इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, अभी 10 मिनट बाकी है सर। मल्टी लाइन का शॉर्ट की बताएं नहीं सर, क्या है सर? एमएल एंटर, मल्टी लाइन का जो शॉर्ट की है एमएल एंटर है, एमएल एंटर राइट क्लिक करके स्केल में जाने। एक बात ध्यान रखना, मल्टी लाइन जो है आप डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते हो, उसको राइट क्लिक करके आपको स्केल में जाना रहेगा। अब स्केल के अंदर जो है एंटर मल्टी लाइन स्केल, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है 9 इंच का ब्रिक वर्क करते हो या 6 इंच का ब्रिक वर्क करते हो, तो ये वैल्यू हमको वहां पर पुट करना है। जैसे अभी मुझको 6 इंच का ब्रिक वर्क करना है तो मैं क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम जिस तरीके से लाइन ड्रॉ किए सेम वैसे ही ये भी हम कमांड को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो यस सर। सर कंस्ट्रक्शन लाइन की, कंस्ट्रक्शन लाइन का जो लास्ट पॉइंट है सर बाइसेक्ट, वो बताओ ना सर। बाइसेक्ट का इसके इसमें कोई यूज नहीं एक्चुअल में, बाइसेक्ट का कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जो हम एंगल जो कर लिए उतना ही है, इसका बाइसेक्ट का कोई यूज नहीं है इसके अंदर। हाँ ऑफसेट जो है आप इसको पैरेलल लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हो ऑफसेट से, बाइसेक्ट का कोई यूज नहीं है। इसके अंदर जो कुछ कमांड ऐसी जो है ना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो टोटल कमांड इसके अंदर जो है 400 से 500 कमांड है दोनों मिला करके। तो इसमें जो है जो कमांड्स है ना इंक्लूड है, जैसे भी आपको बताऊँ मैं, हेलिक्स कमांड, ये 3D कमांड, इसमें स्प्रिंग बनती है, ये मैकेनिकल कमांड है, ठीक है। तो ऐसी जो कमांड्स हैं ना जो वो मैं नहीं बता रहा, जो रिलेटेड जो सिविल से रिगार्डिंग है वो सारी कमांड आपको मैं बता रहा हूँ, और कमांड अभी बहुत बाकी है सिविल से देखने के लिए। अभी हम जो है मॉडिफाई कमांड देखते हैं। मॉडिफाई में भी ये भी 2D कमांड है, इरेज से लेके एक्सप्लोड तक के हमको ये कमांड है। फिर इसके बाद सॉलिड एडिटिंग में पूरी 3D कमांड है, फिर 3D ऑपरेशन में 3D कमांड है, ऐसे बहुत सारी कमांड ऑटोकैड में जो है सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की दोनों कंबाइन चलती है, बट सिर्फ उसको इंडिविजुअल अलग अलग करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मॉडिफाई में इरेज, इरेज का जो वर्क होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए मिटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक कर देंगे वो चला जाएगा। इरेज का शॉर्ट ENTER भी है।
राइट क्लिक करके आप इसको इरेज हटा सकते हो। अब कॉपी, अब देखो मैं एक ये जो कॉपी करने का इसका मेथड एक ये है, नॉर्मल मेथड हम जो करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। ये तो हम कोई डिस्टेंस पर नहीं कर सकते, बस हमको उठा करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी आपको जहाँ भी ले आने हम रख सकते हैं। मॉडिफाई के अंदर जो कॉपी जो कमांड है कंटिन्यू कॉपी जो, इसका यूज किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है कंट्रोल सी कंट्रोल वी से। जैसे मैंने अभी एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल का शॉर्ट की जो है आर ई सी है 2/3। एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूँ, अब इसमें हमको कॉपी करना है, सेलेक्ट करना है मॉडिफाई। अब यहाँ से हमको ये कंटिन्यू हमको जो भी डिस्टेंस रखना है लेके जा सकती है 4, 8, 12, आपको जो भी डिस्टेंस रखना है कंटिन्यू कॉपी होते जाएगा 4 इंच के। ये हम कॉपी कर सकते हैं। अब इस कॉपी को हम मूव जैसे कंट्रोल सी के जरिए से आप जो जैसे हम स्टेयरकेस बनाते हैं उसके अंदर इसका यूज होता है, इसको सेलेक्ट करके आप इफेक्ट प्रेस करके आपको जो पॉइंट पे रखना है वहाँ पे भी हम रख सकते हैं। तो इसका कंटिन्यू कॉपी जितना आप लेना चाहो उतनी कॉपी आपको मिल जाएगी, कंट्रोल इसका पेस्ट आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। इसके बाद जो है कंट्रोल ए, इसके बाद जो है मिरर कमांड, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाए, फॉर एग्जांपल मैं लाइन से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसको मिरर करना है, सेलेक्ट करना है मिरर का शॉट एम आई एंटर है, जो भी पॉइंट पे आपको रखना है ड्रैग कर दो, क्लिक करके एंटर कर दो, आप वो उसका ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हो। एम आई इसका शॉर्ट है, एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक करके इस तरीके से हम मिरर कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखो ऑफसेट कमांड, जो हम एक्सेल एंटर कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जो देखा था ऑफसेट कमांड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पूछता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मैं दे रहा हूँ 2/8। आपको जो भी पैरेलल लाइन जहाँ की भी ड्रॉ करना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो उसका पैरेलल लेना हो, चाहे वर्टिकल का पैरेलल लेना हो, हम आसानी से ऑफसेट के जरिए से ऑफसेट कमांड प्लानिंग के अंदर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑफसेट के जरिए बिना विदाउट ऑफसेट कमांड के हम प्लान नहीं बना सकते। ऑफसेट कमांड का शॉर्ट ओ एंटर है, ठीक है। अच्छा आप लोगों को कुछ इतनी जो कमांड बताए हूँ अभी फिलहाल, तो इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो ब्लू सिलेक्शन बताए थे सर, जो क्या जो ब्लू सिलेक्शन बताए थे तो वो विंडो उसका नेम था, और ये ग्रीन सिलेक्शन का नाम क्या है सर? किसका ग्रीन सिलेक्शन का? सर ये राइट राइट साइड से जो आप कुछ फाइल है ना, हाँ ये ग्रीन विंडो, इससे भी इसका भी काम हम सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में एल एंटर मैंने किया है, अब मुझको सिलेक्ट करना है, इसको फोर डिलीट कीजिए। जब आप प्लान बनाए बनाते ऐसी दिक्कत आती है कि कुछ पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ता है और कुछ पॉइंट को ट्रिम करना पड़ता है। मैं आपको पहले जो है ना एक काम करता हूँ, ट्रिम कमांड और स्टेंड कमांड बताता हूँ तो इसमें जो आपका जो है जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। अब देखो पहले मैं फिर वो ग्रीन और जो ब्लू कलर का जो बॉक्स है इसका मैं आपको यूज बताता हूँ। इसमें अभी मुझे ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है, ट्रिम कमांड मुझे देखना है मॉडिफाई में। ट्रिम का शॉर्ट TR double enter है, क्या है? TR double enter ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। अब यहाँ पर देखो कौन सी कमांड डिलीट होगी पहले ये देखना है, जो इंटरसेक्ट करके जा रहे कता करके हुए जा रहे वही कमांड ना वही पॉइंट हमारा डिलीट होगा। ये एक सिलेक्ट होगी, ये होगा, ये होगा। अब ये तुम करेंगे ना ये ट्रिम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जॉइंट है, ये इंटरसेक्ट करके नहीं जा रहे, कमांड वही ट्रिम होगी जो इंटरसेक्ट करके जा रही है। अब आप इंटरसेक्शन आप कोई भी पकड़ लो,
इसको ले लो, ये तो ज्वाइंट है, अब ये इसको ले लो, अब ये तो ज्वाइंट है, अब इसको डिलीट करने का मेथड क्या होता है? पहले तो आप ग्रिड से सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो, अब कहीं कहीं पॉइंट ऐसा आते हैं ना पकड़ के इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसके दो मेथड है, पहला हम जो ब्लू कलर का जो हमारा आ रहा है तो उसको पूरी विंडो बताना पड़ेगा, आप इतना लोगे तो नहीं सिलेक्शन होगा, पूरी विंडो आप इसको बॉक्स में लेकर के आप इसको डिलीट करोगे। दूसरा ग्रीन आप जब लोगे, ग्रीन का इतना सा भी आप टच भी कर दोगे ना तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होने के बाद आप आसानी से डिलीट, जब आप प्लानिंग करोगे ना तो इस तरीके की दिक्कत आती है ऑब्जेक्ट को डिलीट करने में, तो आप आसानी से इसको जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। अब इसी तरीके से ट्रिम के बाद जो है एक कमांड हमारे पास है स्टेन, जैसे ट्रिम आप इंटरसेक्ट पॉइंट को जो है टी आर डबल इंटर से इसको हम डिलीट कर दिए, अभी ज्वाइनिंग है इसको तो आप इस तरीके से डिलीट करो या इस तरीके से डिलीट करो, हो गया। अब एक्सटेंड करना है कमांड को, तो जैसे मुझे ये लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड का शॉर्ट ये है ई एक्स एंटर, और जब हम मैन्युअली मॉडिफाई में से लेंगे तो क्लिक करके एंटर देना है इस तरीके से ड्रैग हो गई, या फिर कंट्रोल जेड ई एक्स डबल इंटर क्या आप अब इसके बाद आप बोल रहे कि ये स्टेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आगे कोई पॉइंट नहीं है ना इसका, इसलिए नहीं बढ़ रही। अब जब तक कि आप कोई पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ नहीं करोगे ई एक्स स्टेन नहीं होगी, एक पॉइंट होना जरूरी है जिसके आगे ये स्टेन होगी, ठीक है। स्टेन कमांड जो है हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी आगे बताया था कि किस तरीके से अपने को लाइन कमांड के अंदर में बताया गया किस तरीके से कमांड स्टेन होती है, तो इसमें एक स्केल और स्टेज भी, स्टेज लेन देन जो लाइन है ना, जैसे अभी मैंने क्या किया एक 3 फीट की एक लाइन ड्रॉ की, मॉडिफाई में गया, मैंने बताया था कि अभी हमारे पास कोई कमांड नहीं, लेन देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट डेल्टा पे क्लिक करना है, अब कितना लाइन तो हमको इंटर डेल्टा लेंथ कितनी बढ़ाना है, 2 इंच की बढ़ाना है, फिर 2 इंच की हमारी लाइन बढ़ गई, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम ये काम कर सकते हैं, बहुत सारी कमांड इसके अंदर है। अब जो है नेक्स्ट सेशन में इसको हम देखेंगे, सारी कमांड को कंप्लीट कर लेंगे, अब इसके रिगार्डिंग और उसमें हम जो है प्लानिंग वगैरह सर डायमेंशन सेट करना बता दीजिए सर, सर शुरू में जो आपने बताया था डायमेंशन सेट करना, क्या बोले डायमेंशन कैसे सेट करते हैं सर, इनिशियली जो आप डायमेंशन सेट कैसे करते हैं, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, डायमेंशन सेट कैसे करते हैं, यूनिट सेटअप। हाँ यूनिट सेटअप जो है देखो मैंने आपको बताया था पहले फॉर्मेट में जाकर के यूनिट सेट किस तरीके से करना है, यूनिट दो मेथड में है, एक तो आर्किटेक्चरल में करोगे या मीटर में, जैसे जिसको करना है वो यूनिट सेट कर सकता है, जिसकी जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है मीटर में वर्क करता है या फीट में करता है, ये डिपेंड प्रैक्टिस पर रहता है और वर्क को जो देता है उस पर रहता है कि भाई हमको जैसे आप कहीं जॉब करोगे तो आमतौर से तो मीटर में वर्क लेते हैं और बायलेयर पे वर्क लेते हैं, ठीक है, तो वैसी यूनिट हम सेट कर सकते हैं। जनरल जैसे अभी मैं आर्किटेक्चर कंसीडर कर लिया तो नीचे इसमें प्रेसिजन में क्या लेंगे, क्या बोले जैसे हमने आर्किटेक्चर को कंसीडर कर लिया है तो नीचे प्रेसिजन में कितना लेंगे सर, आर्किटेक्चर कंसीडर कर लिया है ना सर, उसके बाद हम नीचे प्रेसिजन वाला जो एक हो दिया हुआ विंडो उसमें क्या लेंगे सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है फिर से, आर्किटेक्चर कंसीडर कर लिया हमने ठीक है, यूनिट्स में लेंथ टाइप में आर्किटेक्चर कंसीडर कर लिया, एक बार सर मुझे आप जनरल बता दीजिए पूरा। जी जी बोलो सर, जनरल बता दीजिए मुझे मतलब कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आर्किटेक्चर कंसीडर कर लिया हमने ठीक है सर, हेलो हाँ बोलिए ना सर, आर्किटेक्चर कंसीडर कर लिया ठीक है जी, इसके बाद प्रीसीजन में कितना लेंगे सर, प्रीसीजन आर्किटेक्चर कंसीडर करने के बाद नीचे प्रीसीजन दिया हुआ है सर,
आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। सर मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे हमने आर्किटेक्चर कंसीडर, अब आ रही है सर आवाज। अब आ रही है सर आवाज, आई एम ऑडिबल नाउ। हाँ सर बोलिए। मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे हमने आर्किटेक्चर कंसीडर कर लिया, ठीक है सर जी, उसके बाद जो प्रीसीजन उसमें नीचे हमें सेट करना है, प्रीसीजन कितना लेंगे सर? अच्छा मैं यूनिट क्यों यहाँ आर्किटेक्चर कर लिया, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल सर जी। अब यहाँ पर हमने जो भी लिया 0 फीट 1/2 इंच लेंगे। अब ये क्यों लेंगे, इसका एक वो है ना कि जब हम यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट में जब आते हैं तो हम यहाँ पर फीट भी ले सकते हैं, बट लेकिन आप जब फीट लोगे ना, जैसे आपको 3 फीट का पता है 36 इंच स्पीड वर्क करने के लिए जी, तो हम इंचेस इसलिए डालोगे अगर ये दोनों में काम करेगा। अब ये इंचेस जो दोनों में वर्क करेगा, फीट में भी आप डालोगे तो ले लेगा और इंचेस में भी डालोगे तो ले लेगा। अब ये चीज़ आप कभी फीट में डाल दोगे ना तो ये सिर्फ ओनली फीट का ही लेगा, जैसे आप 36 इंच डालोगे तो नहीं लेंगे जी। और इसी तरीके से आपको मीटर में करना है तो डिसिमल लेना पड़ेगा 0.00। अब यूनिट टू स्केल इंसर्टेड पॉइंट में आपको जो मीटर, ओके ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा डी एंटा, यूनिट का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट की जो है कीबोर्ड से जो हम यूज़ करेंगे, यू एन पहला पार्ट रहेगा एंटर, यू एन एंटर, दूसरा रहेगा डी एंटर। डी मीन्स डायमेंशनल स्टाइल मैनेजर। अब मॉडिफाई में आप जाकर के प्राइमरी यूनिट में जाओगे, सेम जिस तरीके से आपने डिसिमल लिया है 0.00 ले लो। अब कुछ ना करना, हमको स्केल फैक्टर 1 रहने देना है, अब ट्वेल्व टू लेट डायमेंशन ओनली सब सेट रहने देना है, ओके कर दो। फिर इसके बाद सेट करने पर आप डबल क्लिक कर दो, क्लोज करके हमारा यूनिट सेट हो गया। अब हमको देखना है मीटर में सेट है, मलाइन लियो एल एंटर, फिर बॉक्स रिमूव, कमांड स्टार्ट हमारी, क्लिक करके ड्रैग करना है 12। अब मैं 12 दे रहा हूँ, कमांड से बाहर आ गया, इसका मीनिंग ये हमारी मीटर में यूनिट सेट हो गई। समझ में आ गया? अब इसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शन में जाके 12 के बाद मीटर लगा सकते हैं, या डायमेंशन के अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हम इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो चीज आती जाती है। और कुछ? थैंक यू। ओके सर, थैंक यू फॉर टू, थैंक यू बहुत। हेलो, ओके, लेने के बाद सर, मिस्टर जाहिद इकबाल द डायरेक्टर ऑफ द मुकर्रम कंप्यूटर, फॉर गिविंग सच ए वैल्यूएबल सेशन एंड क्लियरिंग ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू द बेसिक कमांड व्हिच इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर। आई थिंक सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैड क्लियर अबाउट द कमांड व्हिच इज यूज्ड फॉर ड्राइंग द बिल्डिंग प्लान इन ऑटोकैड। We have already recorded this session and we will be uploading to your WhatsApp group in YouTube channel so that you can watch this again for your practice session as well as in future whenever you will require for the learning of this AutoCAD command, you can go through this channel and you can see if you have any doubts. Now we will stop this first session of today's day one and we will meet in afternoon session, that is from 2 o'clock, 2:15 we will meet, and in that session we will try to cover one whole building planning, that is develop plan, elevation, section. We will take the example of one small residential building and we will plan that building in AutoCAD. So Mr. Zaid Iqbal will plan that building in the second section, that is the develop plan of a residential building, its elevation and section, how you will draw this whole drawing, and also we will try to cover how this drawing can be set up on a page and get print out, so that you will be expert in drawing all the things, as all the students belong to the civil engineering either from the diploma or degree. In future, very near, you will be on the site for the planning and designing, so this session will be also beneficial for you all. So now we will stop this today's first session of day one and we will meet to the session two of day one in today's afternoon session, and 2:15 we will meet at 2:15 in today's session. Okay, so we will stop
this session. Thank you very much. If you have any doubts related to this AutoCAD, we will give you a chance to ask the question in the session number 2, because you will be getting completely knowledge related to the planning of a small residential building in that session. Okay, so thank you very much. Here we will stop the session. Thank you.